TVMH न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक मिल सके। मरहूम का नाम है तो नाजिम बेगम है, देखिए 19 साल उनकी उम्र है। आप कौन होना बच्ची? मैं उनका भाने हूँ, वो मेरा भाई भी होना और भाने भी होना। तो मेरे को इंसाफ ये है कि उनके साथ क्या हुआ, किस वजह से हादसे से इनका ये इंतकाल हुआ, उनका मेरे को इंसाफ होना पुलिस से। क्या वजह से हुआ, क्या हुआ था, क्या वजह से एडमिट कर रहे थे? एडमिट क्यों कर रहे थे यहाँ पर? वो डिप्रेशन में जाके, किस वजह से डिप्रेशन में गए वो तो नहीं मालूम, एसिड पी लिए थे उन्होंने। एसिड पीने की वजह से हम इमरजेंसी में, हमको मालूम हुआ, जल्दी जल्दी उस्मानिया हॉस्पिटल को लेके आए, एडमिट कराया। आज कब एडमिट कराए? जी 7 बजे के दरमियान। आज क्या हुआ? आज ये तो 9 बजे के दरमियान इनका इंतकाल हो गया। एसिड पीने की वजह नहीं मालूम है आप लोग को? नहीं नहीं मालूम है सब हमारे। नहीं, आप डिप्रेशन जो बता रहे थे, डिप्रेशन किस बारे में आपको नहीं मालूम है? नहीं, नहीं मतलब नहीं मालूम है हमारे। क्या एज थी उनकी? 19 इयर्स थी। कहाँ तक पढ़े हुए थे? बीकॉम करे हुए थे। यहाँ दवाखाने की क्या लापरवाही दिखी आपको? दवाखाने की लापरवाही ये थी कि देखिए, हम यहाँ जा रहे तो झटक के भागा रहे थे, उधर जा रहे तो झटक के भागा रहे थे। बस ये है, देखिए हमारे खाली कल से ग्लूकोज पे रखे थे खाली, बस। अच्छा, कुछ भी। आप लोग एडमिट कल कराए थे? कल 7 बजे के टाइम पे कराए थे। इंतकाल कब हुआ जी? देखिए हम आसिफ नगर के रहने वाले हैं। कौन सा पीएस लगता? आसिफ नगर पीएस। अभी आप लोग केस करे वो? जी केस तो है सर, पुलिस से इंसाफ होना। वहाँ से आए थे कोई पुलिस वाले? आए थे यहाँ पर आगे स्टेटमेंट लिए? अभी तक तो नहीं आए थे पुलिस वाले। फोन आया था 3 बार उनका। आप लोग कल जब एडमिट कराए थे, जब आए थे कोई पुलिस वाले? नहीं नहीं आए थे। आगे स्टेटमेंट वगैरह भी नहीं लिया उनका? आसिफ नगर में जो आपका नाम? मेरा नाम जाफर बेग है, मैं आसिफ नगर से जमात का जो है एमआईएम पार्टी का सदर हूँ। मेरे को इत्तला मिली कल जो है सो 7 बजे के दरमियान जो है सो बच्ची जो है सो घर में जो है सो एसिड पी ली, और बच्ची जो है सो 8 दिन से जो है सो डिप्रेशन का शिकार थी। जैसा कि मैं पड़ोसी भी होना, एक ही डोर से हम लोग की एंट्री है, आना जाना एक दूसरे का हम लोग का एक ही डोर से है। तो उस तरीके से जो है सो कल जो है सो हम लोग आज जो एसिड पी ली बच्ची, तो उससे 8 दिन पहले से बच्ची जो है सो फोन पे रो रही, मालूम नहीं किससे बात करके क्या कैसे उससे जो सो रो रही। अब हमारे घर में भी बच्ची के वालदा को इतला दिए थे, तो बच्ची के वालदा जो सो घर में गए, बच्ची से पूछी तो फोन छुपा लेके बच्ची ये बोली के नहीं अम्मी मेरे को पेट में दर्द हो रहा। तो उसके बाद में जो सो पेट में दर्द बल्कि वो 2-3 दिन पहले का वाक़ है, लेकिन कल जो सो 7-8 बजे के दरमियान जो सो एसिड पीते हम लोग इतला मिली, मिलते अब्दुल शफीक साहब जो सो सीनियर सदर है हमारे, उन्होंने जो सो इतला करके फौरी कहाँ पहुँचो बोलते हम लोग आ गए। आने के बाद सीधा हॉस्पिटल को उस्मानिया को लाके यहाँ हैंड ओवर करे, MLC करा के जो है सो हैंड ओवर कर दिए यहाँ पे जो है सो। उसके बाद फिर 1 बजे आया, बच्ची जो है सो खून की उल्टी कर ली हुई, तो यहाँ पे इनको आके डॉक्टर से हमें पूछा कि आप लोग जो है सो क्या ट्रीटमेंट दे रहे? तो ये लोग बोले कि कल से अब तक जो है सो खाली ग्लूकोज पे रखे हुए, ग्लूकोज डाल रहे यहाँ तक कि कुछ एसिड अंदर है पेट में। तो बच्ची जवान बच्ची है, 19 साल की, अच्छा बात करने वाली बच्ची है। तो वो बच्ची जो है सो उल्टियाँ तो भी कुछ तो भी ऐसा ट्रीटमेंट देना था कि यहाँ के डॉक्टर्स उल्टियाँ करके बच्ची जो है सो कुछ तो भी निकालना, अंदर एसिड है पेट में। वो इमरजेंसी में हम लोग तो ला लिए, वही दरमियान में हाफ एन ओवर 1 ओवर के दरमियान में हम लोग का ला लिए। तो वो दरमियान में जो है सो बच्ची जो है सो उल्टियाँ करके निकालना, यहाँ के डॉक्टर जो है सो वैसा देना ना ट्रीटमेंट नहीं दिए, और जहाँ भी जा रहे चेयर नहीं, यहाँ पे लेके जाने का जो है सो स्ट्रेचर नहीं, जहाँ भी लेके जा रहे डोर पर जो है सो ठहरे हुए हैं लोग, क्या बोले तो अरे नहीं भाई किधर जा रहे कहाँ जा रहे, ऐसा झिड़कियों से रिस्पॉन्स नहीं। तो अभी ये चीज़ों में कितना वक्त खराब हुआ आपका? हम लोग का देखो कल से जो है सो सोए नहीं, खाए नहीं, पिए नहीं, खाली यहीं फिर रहे कल से। हॉस्पिटल की जो लापरवाही बता रहे, हॉस्पिटल की लापरवाही में कितना वक्त खराब हुआ? कल से जो है कल का पूरा दिन, आज के दिन में भी पूरा जो है लोग क्या ट्रीटमेंट दिया समझ में नहीं आया, टाइम खराब टाइम ही खराब है। बच्ची का कोई अफेयर है ऐसा बोल के सुनने में आ रहा था। तो अभी हम लोग नहीं बोल सकते, फोन वगैरह जो भी है आसिफ नगर PS में हैंड ओवर करेंगे। हमारे अब जो नए कमिश्नर बैठे और पुलिस वाले जो है सो क्या इंसाफ कर सकते वो अल्लाह को मालूम। अभी हम लोग जो है सो माजिद साहब को, नामपल्ली MLA साहब को जो है सो इतला कर दिए, वो बोले जल्द से जल्द बॉडी दिलाएंगे। हमारा जो काम है, हम सदर है, हमारे MLA साहब को हम इतला दे दिए, अब्दुल शफीक साहब को भी इतला दे दिए, वो भी बोले कुछ ही देर में अब्दुल शफीक साहब भी आएंगे बोले, जरूरत पड़ी तो माजिद साहब भी, कल भी हम लोग कल से उनके उसमें है नामपल्ली में MLA साहब के, उन्होंने बोले कुछ भी ऐसा रहा तो हम आपको बोलते रहना, हम इतला देते रहना, हम बराबर आपके उसके वालिद नहीं है बच्ची के? वालिद साहब है, उन्होंने अनकॉन्शियबल हो रहे, वालदा भी थे, तो उन लोगों को जो है अभी ऑटो में डाल के मैं भेजा लूँ। ठीक है, अच्छी बात, ठीक है।